भोजगे सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगने सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतमुकमलि नमो आयोगीरु विरध्यानगम्यम् वंदे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् मेरे रामा जो सुमिरतो सीधी हो ये गणनायको करी वरे बदन राम जो सुमिरतो सीधी हो ये गणनायको करी वरे बदने राम करहु अनुग्रह सोई बुद्धि जगसी शुभ गुण सदने राम मुके होई बाचालो मुके होई बाचाल बाचाल बाचालो पंगु चढ़ेगी गिर भरो गगने रामा चासु कृपा सो दयाल सो दयाल सो दयालो कृपाहु सकलो कलिमल दघने राम नील सरो रुह श्याम 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 नील सरो रुह श्याम रु श्याम रु श्याम तरुण अरुण बाजी जे नयने राम करहु सुमाम उरे धाम उरे धाम उरे धाम सदा छिगिरो सागर सयने राम कुंदगिंदु समुदे है कुंदगिंदु समुदे 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 है उमा रमनो करुणा अयने रामा चाहे तीन परुने है करहु कृपा मर्दने मयने रामा पदकल जो बंदभु गुरु पदकल कृपतल कृपतल जो कृपा सिंधु नद रूप हरि रामा महा मोहि तम पुंजो जासु बचन रब करन करे महा मोहि तम पुंजो
बंदहु मुनि पद कल मुड़पतल मुड़पतल जो रामायण जय निर्मयु सखर सुखो मल मल जो दोष रहित दूसर सहित सखर सुखो मल मल जो बंदहु चारू बे चारू बे चारू बे दो अबारित बेहित सरिसो जिन्हें न सपने उठे दो परिणत रघुबर विमल जसो बंदहु बेद पदनेन बेद पदनेन बेद पदनेनो ताव सागर जहि तीनो जहे संग सुना ससि थेनु प्रगटे खल विश्वपादुनी बंदहु अवध भुआल भुआल भुआलो सत प्रेम जहि राम पदो विचरत दीन दयालो प्रीतनु त्रैण दो परिहरि वो प्रिन बहु पवन कुमार प्रिन बहु पवन कुमार 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 खल बन पावक ज्ञान धले चाचु हृदय आधारो पसई राम सिर चा सिया पर राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतों की जय 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 जय। और मित्रों अभी आप लोगों ने प्रस्तुत श्री रामचरितमानस वंदना श्रवण की, क्योंकि सभी देवताओं का आवाहन तो हो गया, अब यहां से कार्यक्रम भी शुभारंभ है। और हमारे अपने शास्त्री जी से अनुरोध है, क्योंकि गणेश जी प्रथम है तो पूजन भी सुनिश्चित करावे, और प्रथम सखी मंच पर उपस्थित होने जा रही हैं अपना भजन लेकर के। जो लोग नहीं आ पाए हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है, देखिए राम जी की जो लीला होती है ये भाव पक्ष की है, राम जी की लीला ये भाव प्रधान है, संस्कारों का चरित होता है। भगवान की लीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता मित्रों, ये धर्म मंच है। और यहां से जो भी प्रस्तुतियां होंगी उसका समाज में असर जाएगा, ये कटु सत्य है। और हमारा प्रयास यही होगा कि एक एक चौपाई का सटीक अर्थ आप लोगों तक पहुंचे, ऐसा प्रयास हमारा होगा। तो समाज से भी अनुरोध है, अब बस देखिए देखन जोगू, जो देखने योग्य है उसे देखना चाहिए, और जो अनुकरण करने योग्य है उसका अनुकरण करना चाहिए। और राम जी की लीला हम आप लोग क्यों करवाते हैं, इसमें धन लगता है, इसीलिए लीला करवाई जाती है ताकि जो हमारे अपने घरों के बच्चे हैं इनमें श्री राम लक्ष्मण माता सीता जैसे संस्कार पड़े।